सब्सक्राइब कीजिए स्टार्टअप अथॉरिटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट बिजनेस आइडिया वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टार्टअप अथॉरिटी के एक और फ्रेश एपिसोड में। और इस एपिसोड में मैं बात करूंगा एक ऐसे बिजनेस के बारे में जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं, समझ में आता है लेकिन उसका प्रोसेस नहीं पता होता है। दोस्तों ये बिजनेस है मोबाइल टावर लगाने का। दोस्तों हम में से बहुत सारे लोग टावर लगाने के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमारे चैनल पर बहुत सारे लोगों द्वारा पूछा गया कि मोबाइल का टावर किस तरह से लगाया जाता है, क्या इसको लगाने के लिए जैसे जियो हो गया, एयरटेल हो गया, वोडा या इस तरह के जो टेलीकॉम कंपनियां हैं ये टावर लगाती हैं, या इसके लिए कोई थर्ड पार्टी जो है वो टावर लगाने का काम करता है। आज जो है इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप जो है अगर टावर लगाना चाहते हैं तो वो लगा सकते हैं, कौन सी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, क्या क्या अप्लाई कैसे किया जाता है। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पर कुछ फ्रॉड्स जो होते हैं वो किस तरह से होते हैं और किस तरह से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो है फ्रॉड का काम है या ओरिजिनल है, और कौन सी थर्ड पार्टी कंपनीज है जो इस काम को अंजाम देती है। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले करूंगा रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे रेड बटन पर क्लिक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि ऐसा करेंगे तो इसी तरह की वीडियो सीधे आपके इनबॉक्स में सबसे पहले भेज दिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं, जानते हैं कि आखिर ये की चीज क्या है। दोस्तों मोबाइल का टावर जो है वो हर जगह होता है, और आजकल जैसे जैसे नेटवर्क जो है वो फैल रहा है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के जो टावर्स हैं वो लग रहे हैं। तो दोस्तों इसके पीछे जो है ना ही जियो है, ना ही एयरटेल है, ना ही वोडा है, ना आइडिया है, ये सारी कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इसके पीछे डायरेक्टली काम करती है। दोस्तों इसके लिए लगता है थर्ड पार्टी एजेंसी, और ये थर्ड पार्टी एजेंसी में कुछ ऐसी ही कंपनियां हैं जिस कंपनियों के बारे में आज दूंगा डिटेल में बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि उनसे किस तरह से कनेक्शन किया जा सकता है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं बात करता हूं कि फ्रॉड यहां पे कहां होता है। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां हैं ऐसी हैं जो कंपनी जो है अपने आप को रजिस्टर करी हुई है और वो कहती है कि हम जो है टावर लगवा सकते हैं, और वो आपके घर जाती है, आपसे बोलती है कि आपके गाँव में आसपास में टावर लगाना है, तो आप में से बहुत सारे लोग जो है वो पैसा दे के टावर लगाने के लिए बोल देते हैं लेकिन वो पैसा जो है वो लेके भाग जाते हैं और वहां पे टावर नहीं लगता है। लेकिन आज जो है इसमें बात करूंगा कुछ ऐसी कंपनियों के बारे में जो कंपनी जो है टावर लगाने का ही काम करती है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कि कौन सी कंपनी है जो इस काम के लिए इस काम को अंजाम देती है। दोस्तों इसमें सबसे पहली कंपनी है वो इंडस कंपनी है। इंडस टावर करके एक कंपनी है जो कंपनी जो है पूरे भारत में हर तरह की कंपनियों के टावर को लगाती है। इसके अलावा इंफ्राटेल, भारतीय इंफ्राटेल करके कंपनी है, ये कंपनी जो है इस तरह की सर्विसेज जो प्रोवाइड करती है, और एक और कंपनी है जिसका नाम है अमेरिकन, वो कंपनी जो है इसको प्रोवाइड करती है। इसके साथ ही साथ एक और कंपनी है जिसका नाम है आपका एटीसी टावर। दोस्तों ये तीन चार कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में लीगल तौर पे टावर लगाने का काम करती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि इसमें कौन से रूल होते हैं जो हमें फॉलो करना होता है। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कितने स्पेस की जरूरत पड़ती है अगर आप जो है टावर लगवाना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप शहर में अपने छत में अपने एरिया में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास कम से कम 500 स्क्वायर फीट की जमीन होनी चाहिए, चाहे छत हो या जो भी हो, आपके उसके आपका जो है वहां पे 500 स्क्वायर फीट की जमीन जो है वो मस्ट हो जाती है। इसके बाद अगर आप टाउन से रहते हैं तो आपको यहां पर जो है 2000 स्क्वायर फीट की जरूरत जो है वो पड़ती है। अगर कोई छोटे मोटे टाउन में रहते हैं तो वहां पे 2000 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ती है। अगर आपके पास ऐसा है तो फिर आप जो है इसके बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा अगर आप विलेज में रहते हैं तो 2500 जो स्क्वायर फीट है, इतना अगर आपके पास जमीन है तो आप जो है इस टावर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप बात कर लेते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट लगती है, लेकिन उसके पहले मैं बात करता हूं इन्वेस्टमेंट की। तो दोस्तों यहां पर आपको समझने वाली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट जो है इसमें 0 रुपया लगता है, यानी कि आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही आप उस कंपनी को कनेक्ट करेंगे, जैसे मैं लास्ट में बताऊंगा
कि आप जो है इन कंपनियों से अप्लाई कैसे कर सकते हैं, टावर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप टावर के लिए अप्लाई करते हैं तो ये जो कंपनी है ये कंपनी इंस्पेक्शन करने के लिए आती है और आपके आसपास में हर कंपनियों का जो है जिस कंपनी के लिए आपने अप्लाई किया है उस कंपनी का टावर जो है वो चेक करता है, मतलब इंटेंसिटी चेक करता है कि वहां पर कितना नेटवर्क की कैपेसिटी है और क्या यहां पर टावर लगाना चाहिए या नहीं। तो वो कंपनी खुद ही करती है, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मतलब कि जीरो इन्वेस्टमेंट का है। अगर कोई भी बंदा पैसा मांगता है या अगर बोलता है कि भाई मुझे पैसा दे दो या इस तरह की काम, मतलब पैसा दोगे तो टावर लगेगा या इस तरह की, तो ये बिल्कुल फ्रॉड है क्योंकि ओरिजिनली कंपनी कोई भी इसका एक भी रुपया नहीं लेती है। इसलिए आपका जो इन्वेस्टमेंट है वही है जो आपका जमीन है और इसके जमीन के बदले में पैसा भी मिलता है, वो बताऊंगा कि कितना पैसा जो है आपको इसके साथ मिलता है। अब जो है सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्यूमेंट कौन कौन सा लगता है। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आता है वो होता है स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट, मतलब कि आप जहां बना रहे हैं वहां पे जो स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट करके एक बंदा आता है, डॉक्यूमेंट आता है, वो आपको बना के देना पड़ता है ताकि जो स्ट्रक्चर लेवल पर जो भी डिफाइन है वो सारा चीज हो सके। इसके अलावा आपको जो है जो भी बिल्डिंग है, मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग है नहीं है या अगर आप उसके ओनर नहीं हैं या ओनर हैं भी, तो आपको जो है एक एनओसी फाइल करना पड़ता है कि आपका कोई ऑब्जेक्शन नहीं है अगर आप जो है यहाँ पे टावर लगवाते हैं या जमीन में टावर लगता है तो आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो इसलिए इसको एक एनओसी देना पड़ता है। इसके साथ ही साथ म्यूनिसिपैलिटी से आपको जो है डॉक्यूमेंट लेना पड़ता है, यानी कि म्यूनिसिपैलिटी में आपको जाके एक बारी बात करना होता है, वहां से एनओसी सर्टिफिकेट लेना होता है ताकि म्यूनिसिपैलिटी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर यहाँ पर टावर लगता है, तो ये भी डॉक्यूमेंट जो है आपको देना पड़ता है। अगर मान लीजिए कि आप ही उस कंपनी, आप ही उस जमीन के मालिक भी हैं, तो आपको जो है एक एनओसी सर्टिफिकेट जो है वो देना पड़ता है, अंड पेपर होता है, उस पेपर पर आपको रिटर्न में लिख कर देना पड़ता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप जो है आप ही इसके ओनर हैं और आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप चाहें कंपनी चाहे तो यहाँ पर टावर जो है वो लगा सकती है। तो ये सारे जो चीज़ें हैं ये जरूरी की डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरत पड़ेगी आप जगह अगर आप जो है टावर लगवाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ कंपनियों की बात करता हूं तो जो मेजर कंपनी है जहां पे जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्रोवाइड करती है, इसमें सबसे पहली जो कंपनी आती है वो होती है इंडस टावर। इंडस टावर का जो हेड ऑफिस है गुड़गांव में है और गुड़गांव में इंडस ऑफिस का जो इसका जो यूआरएल है, जैसे कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो इसका जो यूआरएल दिया गया है, आप वहां पर जाकर रजिस्ट्रेशन करिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैसे रजिस्ट्रेशन होता है। भारतीय इंफ्राटेल जो है ये कंपनी जो है इसका काम करती है। अमेरिकन टावर जो है ये इस कंपनी को सिक्के थ्रू आप जो है काम करवा सकते हैं। इसके अलावा एटीसी टावर है, यहाँ से भी आप जो है काम करवा सकते हैं। दोस्तों इसके बाद बात कर लेते हैं कि इनकम की, कि यहाँ से कितना इनकम जो है वो जनरेट होता है। दोस्तों इनकम की बात अगर करता हूँ तो इनकम जो है डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर खोलना चाह रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि गाँव में जो मोबाइल यूजर्स हैं वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि शहरों में होते हैं, तो ऐसे में वहाँ पे यूजर्स कम हैं इसलिए आपको वहाँ पे कम पैसे मिलेंगे। वहाँ पे आपको 7,000 से लेकर के 10,000, 20,000 तक, 25,000 तक भी इनकम जो है वो हो सकती है। वो जो है कंपनी जो है आपके लीज जो रेंट होता है वो उसको मंथली का जो है वो देता है, दे पाती है। लेकिन अगर आप बड़े शहर में हैं जैसे दिल्ली जैसे शहर में हैं और वहाँ पे आप टावर लगवाते हैं तो वहाँ पर जो है यूजर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, यानी कि नेटवर्क को यूज़ करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में वहाँ पर जो पैसा है वो लाख रुपए तक भी हो जाता है, यानी कि लाख रुपए रेंट भी आपको जो है ये कंपनियाँ प्रोवाइड कर देती हैं। तो इसलिए आप जो है अपने लोकेशन के हिसाब से आपको पैसा मिल सकता है 7,000 से लेकर लाख तक, 50,000 तक, 40,000, 50,000, 60,000, 70, मतलब डिपेंड करेगा कि आप किस लोकेशन पे आप इस टावर को लगाना चाह रहे हैं, तो वहां पर जो है इसको आपको जो है फायदा मिल सकता है। फ्रॉड की जहां पर बात थी तो वो जो है मैंने बता दिया था कि किस तरह से इसमें फ्रॉड होता है। अब हम आपको ले चलते हैं अपने डेस्कटॉप की तरफ और मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन जो करना चाहते हैं वो आप बड़े आराम से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और जैसे ही कंपनी को रिक्वायरमेंट होगी या कंपनी को लगेगा कि यहाँ पे टावर लगाना चाहिए तो वो जो है आपका हेल्प कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सबसे पहले चलते हैं, सबसे पहले सर्च करेंगे गूगल में इंडस टावर के नाम से। तो दोस्तों यहाँ पर इंडस टावर आप जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर इंडस टावर की जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी और आप जो है इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की वेबसाइट होगी जहाँ से आप जो है अपने घर में अपने आसपास के लिए टावर का कनेक्शन जो है लगा सकते हैं। दोस्तों अगर बात कर लेते हैं इनके कस्टमर की, तो आइडिया, एयरटेल, टेलीनार, जियो, रिलायंस कम्युनिकेशन और इस तरह की बहुत सारी कंपनियों के इनके साथ पार्टनरशिप है और ये सारी कंपनियों के जो टावर है वो आपके यहाँ लगा सकते हैं।
दोस्तों इसके अलावा हम बात करेंगे तो आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा यहाँ पे, इसमें आपको मिलेगा लैंडलॉर्ड्स, और लैंडलॉर्ड्स पर आपके क्लिक करने के बाद से जो है आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आएगा फिल करने का। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करिएगा, प्रॉपर्टीज़ में जो जैसे कि बिल्डिंग है, प्लॉट है, जो भी है आपका, तो यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी जो है वो सेलेक्ट कीजिए। प्रॉपर्टी सेलेक्ट करने के बाद से सीधे सीधे आप अगर यूपी ईस्ट में रह रहे हैं या कहीं भी रहते हैं तो वहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल आएगा जैसे प्रॉपर्टीज़ का एरिया, विलेज, गांव, जो भी आपका है वो सब कुछ के बारे में पूरा डिटेल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। और इसके साथ जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट करेंगे और इसको सबमिट कर देंगे, तो दोस्तों जैसे ही आप इसको सबमिट कर देंगे तो ये जो है आपके पास जो है इस तरह की वेरिफिकेशन के लिए सारी चीज़ें जाएंगी। यहाँ से इंडस कंपनी से जो लोग हैं वो वहाँ के रिक्वायरमेंट को जज करने के लिए आपके यहाँ जाएंगे, और वहाँ से अपने इस टावर को लगा करके आपके यहाँ आपको एक टावर की सुविधा जो हो प्रोवाइड करवा देंगे। दोस्तों अगर दूसरी कंपनी की बात करते हैं तो ये है अमेरिकन टावर। अमेरिकन टावर की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपको ये वेबसाइट जो है कुछ इस तरह से ओपन होगा गूगल पर सर्च करने के बाद, और सिंपल आपको भी यही करना होगा, चूँकि ये जो अमेरिकन टावर है ये पूरे ऑल इंडिया में बहुत सारे जगह पर इस टावर का निर्माण करवाती है। तो हम चलेंगे इंडिया के अंदर, और इंडिया के अंदर जाने के बाद आपको जो है यहां से इसके बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों अगर साइट ओनर की बात करते हैं तो एग्जिस्टिंग साइट ओनर, और यहां पर अगर कोई प्रॉपर्टी जो है यहां पर करना चाहते हैं तो आप यहां से क्लिक करके और आप यहां पे जाके और इनसे कॉन्टैक्ट अस पर जाके यहां से कनेक्ट कर सकते हैं कि कहां पे आपको टावर लगाना है। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, आप जो है यहां पर इनके नंबर पे कॉल करिए, नेहरू प्लेस में ये कंपनी है और इसके साथ गुड़गांव में भी इसकी कंपनी है, और अगर आपको जो है मेल करना है तो आप यहां पे साइट ओनर इंक्वायरीज से रिलेटेड जो है मेल कर सकते हैं और आप यहां पे जाके टावर जो है लगा सकते हैं। इसके बाद आप गूगल पे सर्च करिएगा भारतीय इंफ्राटेक टावर के बारे में, और यहाँ से भारतीय इंफ्राटेल टावर का जो है डिटेल आपको यहाँ पे ओपन होगा, और यहाँ पर जाने के बाद से सीधे सीधे आपको यहाँ पर जाना होगा पार्टनर्स के लिए। अगर जाना चाहते हैं तो पार्टनर्स के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पर भी देखेंगे तो ये सारे वोडाफोन, एयरटेल, टाटा कम्युनिकेशन, जितना भी टेलीनार वगैरह है, ये सारे एयरटेल वगैरह सारे इसके कस्टमर हैं, तो आप यहाँ पर जाके भी आप ऐसा काम कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ से जो है क्लाइंट लॉगिन कर सकते हैं, पार्टनरशिप के लिए जा सकते हैं, इन्वेस्टर के लिए जा सकते हैं, और यहाँ पर इनके कॉन्टैक्टर से जाके कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से अपनी टावर की जो फैसिलिटी है वो लगा सकते हैं, और यहाँ पर भारतीय इंफ्राटेल में भी इस तरह की चीज़ें जो है वो अवेलेबल है। तो दोस्तों गोइंग फॉरवर्ड आप इसमें कनेक्ट करिए, इनसे कनेक्ट करके जो है आप इसे लॉगिन करके अपना काम करवा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप एटीसी टावर से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आपको जो है एटीसी टावर को गूगल में सर्च करना होगा, और एटीसी टावर को सर्च करने के बाद से यहाँ पर जो है आपके कुछ एड्रेस जाएंगे, वो जो एड्रेस ऐसे हैं जो आप इसके थ्रू कनेक्शन कर सकते हैं। बेसिकली ये अमेरिकन टावर कॉरपोरेशन ही है, और आपको जो है यहाँ से सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो मिल जाएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है अपने घर से टावर जो है लगा सकते हैं और अपने घर पे बैठकर पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से टावर को लगा सकते हैं, किस तरह से इस टावर से जनरेट कर सकते हैं इनकम, कहाँ पे फ्रॉड होता है, कैसे आप जो है उस फ्रॉड से बच सकते हैं, और कहाँ कहाँ पे किस नंबर्स पे कनेक्ट करना चाहिए, आपने इन सब के बारे में डिटेल में देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको लगता है कि ये जो दी गई इन्फॉर्मेशन है ये करेक्ट है और यहाँ से आपको फ़ायदा पहुँचा है, तो आप जो है फटाफट लाइक का बटन दबा दीजिए, साथ ही साथ इस बिजनेस वीडियो को लोगों को शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी पता चले कि इस तरह से इस काम को अंजाम दिया जा सकता है, और वो भी अगर उनके पास ये सारी चीज़ें हैं तो उसको लगा करके अच्छे खासे इनकम जो है वो कमा सके। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और साथ साथ लोगों तक शेयर कर दीजिए, और आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।